हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेम प्लेस अलादीन इन नसीरास रिवेंज लेवल 10 स्टार्ट करते हैं, जहां से लेफ्ट किया था लास्ट वीडियो में। तो हम इस जगह से कहीं से एंटर हुए थे और हम पहुंच चुके हैं, स्टिल रेगिस्तान में मौजूद हैं। भाई को मारने के बाद आप कॉइन्स इकट्ठे करें, बर्तन तोड़ें, और यहाँ पर नीचे चश्मे मौजूद हैं जो कि ऊपर आते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। आपने करना क्या, आपने इस वाले से दूसरे को पर जंप करना है ऐसे, और फिर इधर जंप करना है। यहाँ पर कोकोनट्स कलेक्ट कर लें, काम आएंगे शायद आगे जाकर। जैसे भी हमने प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जंप किया वैसे ही यहाँ पर भी करना है। कोकोनट थ्रो करके इस पर और इसे हम मार देंगे। फिर दोबारा से प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जंपिंग है। ओह नो, आई हेट दिस व्हेन इट हैपेंस। वंस अगेन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अलादीन गेम है बेसिकली अ प्लेटफॉर्मर गेम प्लस सम एक्शन सम एडवेंचर। तो प्लेटफॉर्मिंग ही इसका मेन जुज है जो गेम का। ओहो, तो अगर आप पेशेंट नहीं हैं, आप सब्र करने वालों में से नहीं हैं, देन दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ हो रहा है। चेकपॉइंट तो हमने एक्टिवेट कर लिया, सिक्के भी पकड़ लिए काफ़ी सारे, और अब हम आ गए हैं इस नई जगह पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। भाई ऊपर जाते हैं, पहले बाबा जी से बात करते हैं वो क्या चाहते हैं इस दफा। If you want me to open this cave, बड़ी अजीब सी बात की है बाबा जी ने। उनका कहना है कि अगर ये रास्ता तुम खुलवाना चाहते हो तो तुम्हें सम सीरियस मंकिंग अराउंड करनी पड़ेगी, मतलब बंदर बन के दिखाना पड़ेगा। बाबा जी भी सीधी बात नहीं करते। बारे में यहाँ पर मिलेगा जिनी टोकन जो हम बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे यहाँ से, और आगे जाएंगे जहाँ पर क्या है, मकड़ियों के जाले। बहुत क्रीपी सा एरिया ये, और इससे भी ज़्यादा क्रीपी बात एक और है ये कि अगर आप नीचे गौर करें तो एक मकड़ी मौजूद है जो कि इंतज़ार कर रही है कि आप नीचे गिरें, बेचैन है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही मौजूद है एक मकड़ी। कोशिश करें कि आप नीचे ना ही गिरें, नहीं तो आपको उसे मारना पड़ जाएगा। यहाँ पर एक मर्तबान पड़ा है भाई, देख लेते हैं इसमें क्या है। कैमरा क्यू और डब्ल्यू की मदद से मैं रोटेट कर रहा हूँ। मुझे पहले ही शक था कि यहाँ पर जैम होगा और ऐसा ही हुआ। आगे चलते हैं, एक मकड़ी मौजूद है, इसको कोकोनट से मारते हैं। जूस की अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या ही अच्छा हो कि ना ही पड़े ज़रूरत, लेकिन
गेम मुश्किल होती जा रही है। चेक पॉइंट आ गया, आओ मकड़ी भी आ गई है। बाबा जी जो बात कर रहे थे सीरियस मंकिंग अराउंड, वो ये जगह है। यहाँ पर हमें नारियल थ्रो करना है। इस ये तीन बंदर हैं, एक ने मुंह पर हाथ रखे हैं और एक ने आँखों पर। हमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर लगाना होगा, यानी पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। हमारे पास नारियल ख़त्म हो गए हैं तो हमें नीचे जाना पड़ेगा मजबूरन नारियल लेने। और यहाँ पर ये एक मर्तबान भी जिसमें एक और जेम मौजूद है, और ये नारियल पकड़ने के बाद आप वापस ऊपर आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद हमने नीचे वाले जो मंकी है उसके मुंह में थ्रो करनी है, और सेंटर वाले यानी हियर नो ईवल, टॉक नो ईवल एंड सी नो ईवल। तो इस तरीके से ये दरवाज़ा खुल जाएगा जिसका बाबा जी ने वादा किया था, लेकिन मसला ये है कि हमने अभी भी वहीं से जाना जहाँ से हम आए थे। और मकड़ी बेचारी नीचे बेचैन बेताब है। और बचत हो गई हमारी, उसके से फाइट नहीं हुई। पर टिप मैं आपको एक ये दे सकता हूँ कि एक्स का बटन होल्ड करके रखें ताकि आप हमेशा ही ऊंचा जंप लगाएं। इस तरीके से आप जल्दी बाहर आ जाएंगे इधर से। वक्त आ गया बाबा जी के पास जाने का, क्योंकि वहाँ पर दरवाज़ा खुल चुका है। यहाँ से आई थिंक हम आए थे, नई जगह आ गई और चेक पॉइंट आया सम टर्टल्स। कुछ कछुए मौजूद हैं और यहाँ पर मैं बताऊँ आपने करना क्या है। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आपने टर्टल टू टर्टल जंप करना है, और मुश्किल इस वजह से कि पानी का करंट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, और जो कछुआ है वो अपना सर भी नीचे कर लेता है, यानी पानी में डूब जाता है और आप नीचे गिर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली टाइमिंग की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह ये ग्रीन कछुए से आगे पर्पल वाले कछुए पर हमने जंप करना है, लेकिन तब जब के पर्पल वाला कछुआ पास हो ग्रीन वाले के, तब हम पर्पल वाले पर जंप करेंगे। ऐसे ऐसे ही आप देख सकते हैं पानी का बहाव, करंट कितना ज़्यादा तेज़ है। जिन टोकन भी एक मौजूद है नज़र आ रहा है वहाँ पर, तो देखते हैं हम वो पकड़ पाते हैं या नहीं। उसके लिए हमें जंप करना पड़ना था, एंड आई डोंट वांट टू जंप। आजा भाई तू भी आजा। एक और जंप मिला यहाँ से, तो अगर हम गलती से वापस पहुँचे तो जिनी टोकन पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये मसला ये है यहाँ पर एक कछुआ आता है, तो हमने ये ग्रीन वाले कछुए से उसके ऊपर जंप करना है। ये जंप अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा दूर ना जाएं, यहीं पर वापस आ जाएं जंप वाले बटन की मदद से। तो जिनी टोकन जो था हमारी किस्मत में लिखा था, और देख सकते हैं आप हमें कितना पीछे आना पड़ा है पानी के बहाव की वजह से सिर्फ। ये जंप थोड़ा सा मुश्किल है, फाइनली जंप तो हो गया है, तो मेरे ख्याल है यहाँ पर लेवल भी एंड हो जाएगा। हाँ जी ऐसा ही हुआ, हमें 7 में से 5 आने में डिफीट किए हैं और 30 में से 29 कॉइन्स पकड़े हैं और 2 जिनी टोकन पकड़े हैं। तो देखते हैं हमें क्या बोनस मिल पाता है यहाँ पर।
स्पेस बार मैंने होल्ड करके रखी है, फुल हेल्थ नहीं मिल सकी। लूजर, लेट्स ट्राई अगेन। इस दफा फुल हेल्थ मिली है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी ऑलरेडी हेल्थ फुल थी। Al, you have to collect 50 coins. 50 कॉइन कलेक्ट करने हैं बोनस स्टेज, क्योंकि हमने दो जेम पकड़े थे। तो अगर आप सारे के सारे जेम पकड़ लेते हैं एक लेवल में, वहाँ पर आ जाती है बोनस स्टेज। यहाँ पर आपकी लाइफ भी शो हो रही है, तो इसका मतलब आप किसी चीज़ से ना ही टकराएं तो बेहतर है। और टकरा गए हम किसी चीज़ से और बोनस स्टेज जो थी वो ख़त्म हो गई, हम सिर्फ 9 कॉइन्स पकड़ पाए 50 में से। चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू उर्दू गेम प्लेज़।